मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शुभ भाई साहब फैमिली में। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि जब भी वीडियो नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। एंड हम अभी हॉस्पिटल आए हैं, शादी में भी जाना है हमें आज, और हम लोग हॉस्पिटल आए हैं क्योंकि हमारे मतलब मेरे भैया की कोई फ्रेंड है, उनके फादर यहाँ पे एडमिट है, तो हम लोग अभी उन्हीं से मिलने जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो गया, इसलिए मैंने ब्लॉग की शुरुआत यहीं करी है हॉस्पिटल में आके। परी को स्कूल छोड़ा उससे पहले और अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं रूम में, तो अब आपसे सीधा घर जाके मिलेंगे हम लोग ये सुबह, क्योंकि हॉस्पिटल थोड़ा दूर था तो मुझे टाइम लग गया। 2:30 सुबह और 11 बजे हमें निकलना है, तो अभी मैं फटाफट से जाके चेंज करूँगी कपड़े, लेट हुई बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मेरी मेहंदी, चलते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट आ गई और इतना ज़्यादा लेट हो गया, मैंने सोचा था आराम से रील्स वगैरह सब बनाएंगे, पर वही है जैसा हम सोचते हैं वैसा होता क्या है, तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। इस वजह से सारा मतलब हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया सारा मामला क्योंकि हम लोग लेट हो गए बहुत ज्यादा। और मैंने सोचा था मैं आराम से उठी, मैं 7 बजे उठ गई थी, मैंने कहा चलो आराम से ना आराम से तैयार होके जाएंगे, लेकिन फिर भैया का कॉल आया कि नहीं मिलके आना जरूर जरूर, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर पहले मिलके आएंगे, इसलिए मिलके आने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे। मतलब हम लोग 9:15 निकले थे घर से और 10:30 हो चुके हैं अभी, और 11 बजे हमें निकलना है गाँव के लिए। तो मैं फटाफट तैयार होती हूँ, रील्स वगैरह तो शायद बनेगी नहीं, पर कोई नहीं तैयार हो जाते हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस ओढ़नी है मुझे, बाकी मैंने ये बैंगल्स पहन ली है और ये वाला जो सूट पहना है मैंने, फुल लुक आपको मैं दिखा दूंगी बाद में, और ये वाला सेट पहना है मैंने क्योंकि मैं फाग ओढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा इसमें व्हाइट मोती है, ये गोल्ड का ही है, तो मैंने सोचा ये पहन लेते हैं। वैसे मैं ये साड़ी वगैरह के ऊपर ज्यादा पहनती हूँ, लेकिन आज मैंने इस राजपूती ड्रेस के साथ पहना है, पता नहीं कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा, मासी को दिखा दूंगी, अच्छा लगेगा तो मैं ये पहन के रखूंगी, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मेरे पास एक रेड कलर का वो है जो वो मैं पहन लूंगी सेट। अभी मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, 11 बजी है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो सबसे पहले मैं खाती हूँ खाना। कर रही हूँ और मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया है, ज्यादा हैवी नहीं किया क्योंकि हमें रास्ते में मतलब अच्छा नहीं लगता ना, रास्ते में थोड़ा हैवी भी हो जाता है, इसलिए मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया है। वहां जाके अच्छे से तैयार हो जाएंगे और पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो व्लॉग को लास्ट तक देखना। और मेरा ये ड्रेस है जो कैसा लग रहा है आप लोग बता देना, अगर कोई हुआ मेरे पास तो मैं इसका फुल लुक आपको दिखा दूंगी। बहुत सुंदर सूट है वैसे तो फाग का, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने अपने लिए और बिन्नी के लिए दोनों के लिए मंगाया। और अब हम लोग निकल रहे हैं, शक्ति आ गया हमें लेने के लिए। देखिए देख लो, और ये बेनी के जो बनवाए थे मैंने, मतलब क्या बनवाए थे, हथफूल ये मैंने आपको इसका डिजाइन दिखाया हुआ था, दोनों आ गए तो ये भी मैं साथ ही ले जाती हूँ अपने। अरे यार, कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलता, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ सिर्फ एंटरटेनमेंट के वीडियोस आपको दिखाई देंगे, कुछ भी नहीं सीख सकते आप उन वीडियोस से। ऐसे में मतलब कुछ क्रिएटर्स हैं जो कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई सवाल पूछो ना तो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, और हाँ अगर एक दो क्रिएटर्स हैं जो कि रिप्लाई देते हैं तो इतना लेट देते हैं कि उस चीज को सीखने की जो हमारी इच्छा होती है ना वही खत्म हो जाती है। ऐसे में मैंने एक ऐप डिस्कवर किया है जिसका नाम है पंखुड़ी। पंखुड़ी से मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब तुरंत मिल जाते हैं, और इतना ही नहीं मैं यहाँ से बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी जीतती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। कैसे? रूबीज जीतकर। रूबीज जीतना बहुत ही आसान है, आप एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके यूज करके तो देखो, फिर मुझे थैंक यू बोल देना। और इतना ही नहीं मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बनाती हूँ जिनसे मैं करती हूँ बहुत सारी बातें, एंड गेम खेलकर रूबीज भी जीतती हूँ। और पंखुड़ी पे आप कोर्स करने के बाद आपके मतलब जो सारे सवाल होते हैं ना उनके जवाब आपको तुरंत मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और आजकल तो मुझे देख देख कर ना मेरी मम्मी ने भी इस ऐप को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, और कंपटीशन में पार्ट लेकर वो भी बहुत सारे प्राइजेस जीत रही है। और सबसे अच्छी बात जो है इस ऐप की वो ये है कि ये ऐप सिर्फ और सिर्फ हम फीमेल्स के लिए है, सबसे अच्छी बात मुझे इस ऐप की यही लगती है। और अब आप पूछोगे कि यहाँ पे हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप मेहंदी लगाना सीख सकती हैं, कुकिंग करना सीख सकती हैं, सोप बनाना सीख सकती हैं, नेल आर्ट करना सीख सकती हैं, बेकिंग सीख सकती हैं, मतलब कुछ भी आप यहाँ से सभी तरह के कोर्स जो हैं सीख सकती हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप कोर्स बुक कीजिए और मतलब सीख लीजिए जो भी आपको सीखना है। और मेरे जो फीमेल्स यूजर्स हैं ना, मैं उनको जरूर रिकमेंड करूँगी कि आप इस ऐप को जरूर यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दिया हुआ है, अगर आप उस कोड के जरिए मतलब लिंक को डाउनलोड करके और कोड लगाते हैं ना, तो आपको आपकी पहली जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी,
तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लो और अपनी पहली क्लास ले लो बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखना कि ये जो कोड है ये सिर्फ 5 दिन तक वैलिड है, तो उससे पहले आप इस कोड को यूज कर लेना और जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड कर लो। और इतना ही नहीं, आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे ना तो आपको बहुत सारे मतलब हजारों रुपए के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पंखुड़ी ऐप को डाउनलोड कर लो और बहुत कुछ नया सीख लो मेरी तरह। अंगूर तो बहुत मस्त है, मोटे मोटे कटपुगिया सकती। जोबनेर पहुंच चुके हैं हम लोग, अर्शु गाड़ी में बैठते सो गए आज, और मामा सा हमारे लिए ग्रेप्स लेने गए क्योंकि परी को भूख लगी है। चलो आगे से लेंगे। 100 रुपए के लोग मूड नहीं लेंगे, महंगे ऐसी बंद कर मारो सकती। तो हम लोग रास्ते में रुके हैं कुछ फ्रूटी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, फ्रूट्स तो ले लिए, मिठाइयाँ वगैरह लेके आए हैं। शक्ति बना हम पहुंचने वाले हैं मेरे ननियाल, बस थोड़ी देर का सफर और है, कम से कम 15 मिनट लगेगा, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे। अरे तू फ्रूटी एक ही ले रहे? अच्छा नहीं ठीक है, फिर बपरी मांग ले तो। चलो मैं बैठ जाती हूँ गाड़ी में। हमारे बोर हो गए, कह रहे मामा मन नहीं लग रहा, और सब लोग शादी वालों के घर पे और मैं अपने घर पे आ गई हूँ क्योंकि मैं थक गई थी यार, मतलब बैठे बैठे बोर हो गई थी, तो फिर मैं यहाँ आ गई अपने घर पे।
और अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। अर्शु बाहर गया है गाड़ी में शक्ति मम्मा के साथ और परी मेरी जान खा रही है कि मम्मा मैं बोर हो गई, मैं बोर हो गई। दोनों का मन नहीं लग रहा यार, दोनों का मन नहीं लग रहा इसलिए दोनों बोर हो गए और मैं, मेरा तो लग गया है ना परी, पर वो मेरा कपड़े तो, कपड़े क्यों खींच रही तू? हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे उसके बाद करेंगे। मम्मा मैं बोर खा लूं? खा ले, मरेगी ना रात को। इतने बेर खाए बंदी ने, जब से लिए ना तब से उन्हीं की लग रही है बेटा, बीमार हो जाएगी। ग्रेप्स खा ले, बनाना खा ले। नहीं, ग्रेप्स और बनाना मुझे अच्छा लगता है। जा मेरे को भी नमकीन ला के दे, भूख लग रही है। रात हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। इधर मेरे नानो सा और मासी बैठे बातें कर रहे हैं। मेरे नानो सा की भाई है छोटे, मेरे तो नानो सा नानी सा है नहीं, मेरे नानो सा की भाई है, इधर पास में रहते हैं वैसे, मतलब काकू सा, मम्मी का काकू सा भी है और नानो सा भी है, वो बातें कर रहे हैं मस्त। और मुझे लग रही बहुत तेज भूख है तो अब हम लोग खाना खाने जाएंगे। खाना खाकर वापस आएंगे, उसके बाद रेडी होगी, उसके बाद डांस वगैरह होगा तो वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ब्लैक आ रही है, लाइटिंग कम है यहाँ, लाइटिंग बिल्कुल कम है। और ये मस्त मजे कर रहे हैं सब लोग, हम लोग बातें कर रहे थे, इसलिए ज्यादा वीडियो नहीं बना पाई मैं, बना रही थी इसलिए ले लिया मैंने फोन यार। मैं ना तो अच्छी नहीं लग, अच्छी लग रही मम्मी सानत, मार तो मारी ऊपर है मन अच्छी से लाती है परी देख नहीं सही लग रही है अभी इन्होंने कही कि नत नहीं सही लग। आज के लोग यही पहन करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।